अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम लाहौर। मैं आपका भाई वलीद एकदम फिट। इस टाइम आज एक सेकेंड आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, असल में मुझे कुछ पिछले कुछ दिनों से ना क्यूरीज आ रही थी, कुछ दिन नहीं बल्कि एक दो महीनों से। और पहले मेरे यूट्यूब से ईमेल पे आ रही थी, फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे काफ़ी सारे मैसेज आने लग गए। पहले थोड़े से तो मैंने इसलिए कभी बॉदर नहीं किया जवाब, मतलब मैं देता हूँ रिप्लाई वगैरह हर एक करता हूँ, लेकिन इस तरह का जिस तरह की आ रही थी तो मैं कहता अभी क्या जवाब देना है, तो मैं इसलिए दे नहीं रहा था। और फिर टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने लग गए, मतलब मैं आपको क्यूरी बता दूंगी। वो पूछ रहे थे कि सर आपका अभी मोनेटाइज नहीं हुआ, तो आप किस तरह ये सारा मैनेज करते हैं, अपने ट्रिप करते हैं, इंटरनेशनल लोकल टूर भी आप कर रहे होते हैं, बाइक वगैरह भी आप जा रहे होते हैं, तो आप ये किस तरह सारा मैनेज करते हैं और उसका किस तरह सारा खर्चा वगैरह होता है। तो ये पहले तो थोड़ी बहुत थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होने लग गई, अब बहुत ज़्यादा हो गई। मेरा कल कोई 100+ मुझे यही क्यूरीज इंस्टाग्राम पे और ईमेल पे, मुझे कोई 56 में ईमेल्स आई हुई थी। ज़्यादातर लोग पूछना चाह रहे थे कि सर अगर हम भी बनाना चाहें यूट्यूब चैनल तो हमें भी बता दें कि किस तरह हम के शुरू के दिनों में किस तरह अर्न कर सकते हैं, किस तरह टूर वगैरह करें तो हमारे खुद के, मतलब हम कमा के लगा लें, खुद के जेब से ना लगाएं। मतलब इस तरह के मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस और ईमेल्स आ रही थी काफ़ी अरसे से। तो मैंने अभी सारी इकट्ठी हो गई तो मैंने कहा यार मैं पहले देखता हूँ, थोड़ा टाइम देता हूँ, तो एक साथ ही एक दिन रिप्लाई कर दूंगा जब फारिग हूँगा। तो आज मैं फारिग था, मैंने कहा चलें यार आज मैं दे दूँगा, कहीं यही ना कहीं ये जवाब ही नहीं देता। तो मैंने कहा मैं दे दूँ, सारा रिप्लाई वगैरह कर देता हूँ, हर एक को बता देता हूँ। पहले तो आ रही थी, अब देखें यूट्यूब का मेरा काम ऐसा है, आप काम समझना कि मैंने पूरा दिन फिर कहीं ना कहीं होता हूँ, कहीं किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी अगर बाहर गया हूँ तो फिर कहीं गया हुआ फिर रहा हूँ, तो कोई पता नहीं होता कि किस तरह, मतलब कोई ऑफिस वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकता, कोई बिजनेस होगा वो पूरा टाइम मांगेगा, ऑफिस जाओ मतलब बिजनेस जो भी आप करें। तो मुझे पहले मैंने जब ये सोचा था, बल्कि मेरा ये शौक था ना, तो मैंने इसे शौक को पूरा करने के लिए पहले मैंने सोचा था कि मैंने साथ इसके एक ऐसा काम करना है जिसके अंदर मेरे पास टाइम खुला हो, कि अगर मैं कहीं जाना चाहूँ कहीं आना चाहूँ मेरा काम उसके रास्ते में रुकावट ना बने, उसे फैसिलिटेट करे। तो इस वजह से मैंने किया था ऑनलाइन का, देखा काफ़ी, देखा बड़े ही जगह पे, मतलब अपना देखता रहा कि किस तरह करना है, अमेज़ॉन का देखा, कई देखा, तो मुझे वो इतना, मतलब वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। तो ये मुझे एक कंपनी थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा। तो उसके साथ मैंने देखा, तो पहले मुझे, मैंने उसे पूरा समझा वगैरह सारा, फिर मैंने उनके साथ काम शुरू किया। अब मैं पहले पहले मैं करता था दिन में 1 घंटा, फिर मैंने 2 घंटे, अब मैं 3 घंटे तक काम करता हूँ, और वो 3 घंटे पूरा दिन में 3 घंटे मैं देता हूँ इस काम को, और 3 घंटे में मेरी इतनी अर्निंग हो जाती है कि मैं अपने अभी तक के जितने टूर्स हैं इंटरनेशनल लोकल सारे टूर की अर्निंग मैंने उधर से निकाली है, कोई मैंने इधर से अपने पास से नहीं, मैं सारा मैं उधर से लगा रहा हूँ, उधर से मेरी मतलब इनकम ही मेरी वही है, तो मैं वहीं से कमाता हूँ, वहीं से लगाता हूँ अपना सारा, मतलब मैं एक्सपेंस वहाँ से उठाता हूँ। अब टूर का आपको बता दूँगा, ये जो लोग पूछ रहे थे ना कि टूर वगैरह करने हैं, देखिए सर अगर आप कहीं भी टूर करते हैं ना, गिलगत जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर भी, तो आप जिस तरह की महंगाई हो गई है ना, आप गिलगत भी जाएंगे तो आपको 6 डिजिट में, मतलब लाख से ऊपर लग जाएगा, तो आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि आप इतना बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि मेरा याद है मैं साल पहले जब हालात अच्छे थे मार्च में रजीम चेंज से पहले, उस वक्त मैंने किया था टूर, तो मुझे याद है मेरा कोई 20 से 22 दिन का टूर था गिलगित का, तो उस वक्त मेरे अप्रॉक्सीमेटली उस टूर में मैंने शायद बताया और 175 या 180 लग गया था, पूरा गिलगित में कवर करके आया था। और अभी मैंने बड़ा, अब मैं आज वही काम करूँ तो मेरे डबल से ऊपर लगे, इतना मतलब फ़र्क पड़ गया। तो आपकी इनकम भी उसी तरह होनी चाहिए कि अगर जिस तरह की महंगाई, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो ये बड़ा महंगा शौक है टूर का, ये टूर पे देखने में लगता है कि बड़ा अहम है लेकिन ये बड़ा महंगा शौक है और बड़ा इस पे पैसा लगता है। मेन कॉस्ट आप देख लें फ्यूल कॉस्ट ही है। तो मैं यही समझा रहा था कि मैंने पहले जब ये काम देखा तो मैंने सोचा कि मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए कि मुझे ये फ़र्क ना पड़े कि मैंने इधर जाना है यार ये जगह छोड़ देता हूँ पैसे लग जाएंगे ये छोड़ दूंगा। तो मैंने सारा देखभाल के अपना काम देखा ऑनलाइन एक जगह पे, उनके साथ मैंने काम किया,
एक दो महीने के अंदर मुझे इतने आने लग गए कि मैंने ये अपना टूर वगैरह के एक्सपेंस उठाने लग गया था सारे, और सारे टूर भी मैंने शुरू कर दिए। अभी आज मैं दिन में 3 घंटे कहीं भी हूँ, मतलब मुझे इंटरनेट चाहिए सिर्फ 3 घंटे के लिए, 3 घंटे मैं अपना काम करता हूँ, और वो भी कंसेक्यूटिव 3 घंटे नहीं, आप दरमियान में ऑनलाइन हो जाते हैं, 3 घंटे मैं काम करता हूँ और उससे मैं इतने कमाता हूँ। मैं अपने इंटरनेशनल टूर्स, लोकल टूर्स सारे उधर से कर रहा हूँ, अपनी बाइक के टूर्स। अभी मैं आजकल टूर इसलिए नहीं कर रहा कि मैं एक बड़ा बड़ा लंबा टूर प्लान कर रहा हूँ, और कुछ गर्मी की वजह से नहीं मैं निकल रहा था, क्योंकि जहाँ मैंने जाना है वहाँ गर्मी होती है, तो वो थोड़ा आज नवंबर में जाके मौसम अच्छा होगा तो फिर हम टूर पर निकलेंगे, तो उसकी वजह से मैं रुका हुआ था। लेकिन उसके लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ, तो वो लंबा टूर है तो उसके लिए मुझे अर्निंग, तो आजकल मैं ज़रा 4 घंटे काम कर रहा हूँ कि उस टूर के लिए पैसे जुड़ जाएँ और तंगी ना हो, तो ये मैं कर रहा हूँ उससे। अब इस काम में मुझे आपको अपने जो बता रहा था कि मेरे काम से रिलेटेड 2 चीज़ें हैं, एक मुझे टाइम ही मतलब और टाइम का इशू नहीं होना चाहिए कि मैं इस तरह का काम ना हो कि मुझे जी 8 घंटे बैठना है ऑफिस में और वो ये करना है, तो फिर मैं टूर किस टाइम करूँगा अगर मैं 8 घंटे, और अब वीकेंड पे 1-2 दिन के लिए मैं क्या करूँगा, जाके मैंने जाना होता है लंबे दिनों के लिए, महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो मुझे एक ये देखना था। दूसरा मैंने देखना था कि अर्निंग, कि इतनी अर्निंग हो कि मेरी सारे पूरे हों, तो फिर मैंने ये सारा देख के, जब मैंने 2 साल पहले ये काम शुरू किया था ना, तो उस वक्त 2 घंटे मैंने आपको बताया मैं काम करता था, उसके बाद मैंने टाइम बढ़ाया, सारा किया। ये ऑनलाइन जॉब है, फॉर एवर कंपनी है, एक इंटरनेशनल जो 65 कंट्रीज़ में काम करती है, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, वहाँ मैं अपना काम करता हूँ और उधर से मैं अर्न करता हूँ। इसके लिए डिग्री मतलब ये इतना सोशल मीडिया मार्केटिंग टाइप की जॉब है, तो मेरे पहले जब मैंने ये अप्लाई किया था ना, मैंने डिग्री के साथ किया था, तो उन्होंने भी बताया कि डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी स्किल्स होने चाहिए, तो मेरे अगर आप वो अच्छा स्किल्स मार्केटिंग स्किल्स अच्छे वगैरह हैं तो आप अर्न करने लग जाते हैं, तो ये कोई भी कर सकता है। मैं इस सवाल का, क्योंकि मुझे एक कोई 16 क्यूरीज आई थी कि सर जो आप काम कर रहे हैं हमें भी बताएं, हम भी करना चाहते हैं, तो मैं देखें आपके लिए, मैं इससे ज़्यादा कंपनी वगैरह मैंने बता दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, अगर कोई भी करना चाहता है उस लिंक पे जाए, जाके बेशक मेरा रेफरेंस भी दे दें, और अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं इजीली, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। भाई इसका ये है कि आपको दिन से 2 से 3 घंटे देने हैं और थोड़ा टाइम लगता है इस पे, और दूसरा ये मैंने आपको सारा बता दिया कि किस तरह मैं कर रहा था, कितना मेरा क्या काम है, उधर से मेरे एक्सपेंस वगैरह निकल रहे हैं, मेरा ख्याल है जितनी क्यूरीज हैं वो सारे भाइयों को पता लग गया होगा, और लिंक भी मैंने लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है इंस्टाग्राम पे जैसे मैंने ये वाला व्लॉग अपलोड किया तो इंस्टाग्राम पे फिर मुझे क्यूरी शुरू होंगी कि सर आपने बताया नहीं कहाँ से करते हैं, तो मैंने लिंक सर लगा दिया है, आप उस लिंक पे जाएं, मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाएँ, वहाँ जाके आप ये सारा देख सकते हैं, इधर ट्राई कर सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, आप भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कोई इनकी रिक्वायरमेंट है, आप जो जितना कहते हैं ना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, तो जितने आप घंटे देंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग करेंगे, मेरे पास दिन से 3 से 4 घंटे होते हैं तो मैं उतना ही दे देता हूँ, और उससे मेरा इतना निकल आता है कि मैं अपने सारे टूर वगैरह जो करना होता है फिर मैं करता हूँ। आई होप आपको ये सारी क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए हों, और हो सके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं आपका भाई बलीद।